Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है Honor का N9, जो कि आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया, जो कि आप अंदाजा लगा ही लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो टच चेंज होगी, दोस्तों आज हम इसका टच चेंज करेंगे। मैं आपको एक एक चीज इसके अंदर डीपली बताऊंगा दोस्तों, एक एक चीज कि आपने इसको कैसे डिसेंबल करना है, कैसे इसको हम अलग करेंगे, किस तरीके से। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा इस चीज़ के अंदर, जिसको आता है बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, जिसको आता है। जिसको नहीं आता वो प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। जो नए टेक्नीशियन भाई हैं मेरे, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो नए अभी इस लाइन के अंदर आए हैं, उनके पास अगर ऐसा फ़ोन आ जाता है तो टेंशन नहीं लेने का, आपने प्रॉपर बेधिकट जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आप करना है, बिना टेंशन के। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दोस्तों। तो हम इसको आज बनाएंगे, तो मैं इसको आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, इसके अंदर एक दो ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे बनाना है, इसको हम कैसे असेंबल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए रोज़ एक नया सोल्यूशन डालता हूँ, चाहे कोई भी सोल्यूशन हो, मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए रोज़ एक सोल्यूशन डालता ही डालता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। बेल आइकन के ऊपर एक ऑल बटन है, उसको भी आप क्लिक कर लें, जिससे मेरी सारी सोल्यूशंस और सारी वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और आप काम सीखते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं Honor 9N टच चेंज। दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आपको इसका बैक ग्लास है वो उसको आपको निकालना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपने कैसे निकालना है। दोस्तों, ये OCA की जो बेडशीट है, आप इसको फिलहाल लेके रखें, हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ब्लेड ले लें दोस्तों, ऐसा ब्लेड ले लें और या तो हीट का मदद लें या फिर ये केमिकल डालें जो मैं डाल रहा हूँ। केमिकल आप हल्का सा केमिकल डालें दोस्तों और ब्लेड की मदद से इसको हल्का सा उठा लें, जिसके आप OCA की जो बेडशीट है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने बेडशीट की मदद से मैं इसको निकाल रहा हूँ दोस्तों, आप देखते रहें कि मैं कैसे इसको कटिंग कर रहा हूँ। और बहुत ही आराम से करें, क्योंकि इसके नीचे फ्लेक्स होता है दोस्तों, जो थंब फ्लेक्स होता है वो कटे ना। तो बहुत ही आराम से करें और केमिकल की मदद से इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो लंबी जरूर होगी मैं मानता हूँ, बट आपको इसके अंदर कुछ समझा के और कुछ सिखा के हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं फिलहाल इसको दोस्तों, ये जो इसका जो थंब इम्प्रेशन होता है, जिससे हम थंब से लॉक खोलते हैं, इसका एक फ्लेक्स होता है, पत्ता होता है, वो कटे ना। कई टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, बैक ग्लास या बैक ढक्कन निकालते हैं तो वो फ्लेक्स काट देते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और कस्टमर को जवाब भी देना पड़ता है और बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इस दौरान से जो फ्लेक्स है, बहुत ही आराम से आप यूज़ करें और इसको बहुत ही आराम से निकालें। अभी फ़िलहाल मैं इसके जो नीचे का रिंगर पॉइंट है उसको निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रिंगर पॉइंट के थ्रू ही इसका जो LCD का फ्लेक्स है, LCD का जो पत्ता है, उसके अंदर से निकल रहा है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो जो LCD का फ्लेक्स है बहुत ही आराम से लूज़ होकर बाहर निकलेगा। तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बने रहे दोस्तों। मैं प्रॉमिस देता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं देखिए इसका जो फ्लेक्स है, जो चार्जिंग फ्लेक्स है, जो ऊपर से नीचे वोल्टेज देता है, वो भी मैं इसको साइड में निकाल के रख लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सा भी काम करें पहले बैटरी ज़रूर निकाल लें दोस्तों, जैसे मैंने बैटरी का पॉइंट निकाल रखा है, बैटरी का पॉइंट ज़रूर निकाल लें दोस्तों। अभी देखिए ये जो है LCD का फ्लेक्स है, इसको भी मैं फ़िलहाल खोल लेता हूं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहिए, मैं आपको एक दो ऐसी ट्रिकें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं LCD आपको चेक करा देता हूं, इसकी LCD बने रहिए दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो के अंदर बने रहिए, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा कि अगर आपके पास इसके अलावा भी फ़ोन आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अपने हीट मशीन पर लेके जाता हूँ, जो मैं 110 पे हीट रख लिया है मैंने, और इसको अभी फ़िलहाल मैं
हीट मशीन पे रख देता हूँ दोस्तों। दोस्तों हीट रखें और चारों तरफ हल्का हल्का टच करें, दबाएं, इसको पुश करें। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर न्यू बैच चालू हो रहा है हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का। जिस जिसको ज्वाइन करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ, उस पर आप मैसेज करें अपना नेम और सिटी के अपना नेम और सिटी डाल के, हम आपको उस अपने न्यू बैच पे ज्वाइन कराएंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर दोस्तों हर चीज़ की वोल्टेज की नॉलेज, बेसिक नॉलेज से लेकर चिप लेवल तक का सारा काम, चिप लेवल का सारा काम समझाया जाता है। एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, जो कि हम आपको एक एक चीज़ डीपली बताएंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर दोस्तों पूरा प्रैक्टिकल काम होता है, पूरा प्रैक्टिकल समझाया जाता है, थ्योरिकल नहीं होता, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल बताते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरिकल बताते हैं। अगर थ्योरिकल नहीं बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल के अंदर। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है उतना बताएं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें जल्द से जल्द। और हम और जिस लेडीज़ ने या किसी गर्ल्स ने या किसी महिलाएं ने काम सीखना हो मोबाइल का, तो हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ें और अपने हाथ से काम करें, कि ये लड़के नहीं लड़कियां भी काम कर सकती हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल देखिए, मैं जो इसका रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के बैक साइड में हमने इसका जो OCA की जो वेस्ट शीट है हमने बैक साइड में डालनी है दोस्तों, जो रिफ्लेक्टर के सेंटर में नहीं डालनी कि जिससे हमारा रिफ्लेक्टर ख़राब हो जाए। तो देखिए दोस्तों मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, और आपको जानबूझ के मैंने ऑन करके, ये ट्रिक है कि ऑन करके आप निकालोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो डिस्प्ले है बची हुई है, टूटी नहीं है। तो कई टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ऑफ में इसको निकालने की कोशिश करते हैं और उससे डिस्प्ले टूट जाती है, और बाद में जब ऑन करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आशु भाई हम बिल्कुल सही से निकली थी और ये टूट कैसे गई। तो ये ट्रिक है कि आप इसको ऑन करके आराम आराम से निकालें। ऑन करते हुए पता चलता है कि आपका अगर जहाँ OCA ज़बरदस्ती करते हैं तो वह उस जगह से स्पॉट जो होता है रेड कलर का स्पॉट आना शुरू हो जाता है, जिससे आप इसका जो हम OCA की जो वेस्ट शीट पर जोर लगाना बंद कर देते हैं, उससे हमारी डिस्प्ले बची रहती है। तो आप इसको ऑन करके निकालेंगे, जो नए टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप एक दो बार, चार पांच बार इसको आप निकालेंगे ना फ्रेम से, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और आप फिर इसको ऑफ करके ही निकाल सकते हैं। तो जो नए टेक्नीशियन भाई हैं, आप ये ट्रिक रहे कि फ़ोन को ऑन करके आराम आराम से निकालें, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये रेड होना लग गई है स्क्रीन, तो आप उस पर जोर डालना बंद कर दें OCA की वेस्ट शीट पर। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया फ्रेम से, अभी फ़िलहाल इसको मैं वायर से इसको कटिंग करूँगा। उससे पहले मैं इसको टच जो होती है, इसको टच जो है इसकी मैं इसको निकाल लेता हूँ दोस्तों। बहुत ही आराम से इसका कनेक्टर है, टूट ना जाए दोस्तों, बहुत ही नाजुक होता है ये। इसके आप टच के पत्ते को आराम से निकाल लें दोस्तों, और आप जब स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों हम इसका ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डिस्प्ले की, यहाँ से हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैंने इसका वैक्यूम ऑन कर लिया है और इसकी वायर ले लेते हैं दोस्तों। मैं आपको इसकी वायर दिखा देता हूँ, किस वायर से मैं इसको निकालूंगा। ये देखिए, ये है वायर, जिसको भी आपको बता दूँ ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है ये। इसको अभी हम वायर लेंगे दोस्तों। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आपने डायरेक्ट अपनी तरफ नहीं खींचना, आपने लेफ्ट राइट करके खींचना है और अपनी तरफ खींचना है लेफ्ट राइट करके, ठीक है ना दोस्तों। आपने डायरेक्ट अपनी तरफ नहीं खींचना कि जिससे हमारी डिस्प्ले ब्रेक हो जाएगी। आपने डिस्प्ले तोड़नी नहीं है, हमने कस्टमर का काम ठीक करके देना है, ना कि ख़राब करके देना है। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे निकाल रहा हूँ, जो वायर का जोर है वो मैंने टच पे लगाया है, ना कि मैंने डिस्प्ले पे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ईजिली निकल चुकी है, ये इसकी टच है और ये इसका डिस्प्ले है। देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल जो इसकी जो ऊपर OCA की जो वेस्ट शीट, OCA की जो होती है केमिकल जिसको हम कहते हैं, इसको आराम आराम से निकाल लें दोस्तों। जल्दी ज़्यादा तेज़ एकदम मत खींचें, हमारी डिस्प्ले टूट भी सकती है इसमें। कई बार क्या होता है, टच बिल्कुल आराम से निकल जाती है और हम जब ग्लू निकालते हैं तो डिस्प्ले में निशान आ जाता है या डिस्प्ले टूट सकती है। तो इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से निकालें। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आराम आराम से निकालें। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसकी OCA की जो शीट है वो हमने निकाल ली है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं इसको केमिकल लेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ OCA की जो वेस्ट शीट है, मैं रखना भूल गया था दोस्तों। बने रहिए दोस्तों, मैं वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे इसको
निकालेंगे, कैसे साफ करेंगे। तो आप हल्का सा केमिकल लें दोस्तों और इसको आराम से क्लीन करें। ज़्यादा तेज दबाना नहीं है, ज़्यादा तेज ना दबाएं दोस्तों, जिससे हमारी डिस्प्ले ख़राब भी हो सकती है। और ज़्यादा केमिकल भी नहीं डालना कि हमारे रिफ्लेक्टर में केमिकल चला जाएगा तो हमारा ये डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है। तो बहुत दो दो ड्रॉप करके आपने इसके डिस्प्ले क्लीन करनी है दोस्तों। उसके बाद हमने इसकी जो मैं आपको दिखाता हूँ फाइलकॉन 530, इसका हम फाइनल टच करते हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ कि हम फाइनल टच जब भी करेंगे OCA की जब भी लगाएं, उससे पहले हम इसको फाइलकॉन 530 से इसको क्लीन कर लेंगे। जो डस्ट हमारे को आँखों से नहीं दिखती वो फाइलकॉन 530 बिल्कुल क्लीन कर देती है। फाइलकॉन 530 जरूर रखें दोस्तों, अगर आप ग्लास का काम कर रहे हैं तो उससे फाइनल टच बहुत ही शार्प और बिल्कुल क्लीन होती है, जिसमें छोटे छोटे बबल आ जाते हैं और बाद में नहीं हटते और कस्टमर कंप्लेंट करता है। तो आप इसका ऐसे ही आप काम करें दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो हम आपको OCA की जो ग्लास ट्रेनिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो मार्केट में 20 से 30 हज़ार रुपये लेते हैं इसी काम के, कि सिर्फ हम आपको OCA ग्लास ट्रेनिंग बताएंगे, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे समझाएंगे। और इस कोर्स को ज्वाइन करने पर, मगर आप इस ज्वाइन को ज्वाइन करें और OCA की जो ग्लास ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे। हमारे पास जितने भी ग्लासेज आते हैं हम आपके अपने हाथों से काम करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने OCA लगा लिया और इसकी चारों तरफ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं ब्लेड की मदद से। आप ब्लेड ले लें दोस्तों, जब भी आप कटिंग करें दोस्तों मेरी ये सलाह रहेगी आप नया ब्लेड ही कटिंग करें, क्योंकि कई बार क्या होता है स्लिपरी हो जाता है और जो हमारी डिस्प्ले है वो भी कई बार ब्रेक हो जाती है। कई बार क्या, एक बार मेरे से हुई थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने पुराना ब्लेड उठा लिया था, उससे मैंने हल्का सा दबाव डाला तो डिस्प्ले मेरे पूरी टूट गई थी। तो आप नया ही ब्लेड लें, जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए चारों तरफ से आप कटिंग कर लें, बहुत ही आराम से कटिंग करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। तो डिस्प्ले पे आपने बिल्कुल टच नहीं करना, डिस्प्ले पे जोर नहीं लगाना। तो आप जितना हो सकता है इससे क्लीन आप कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या है ये दोस्तों, ये नॉच डिस्प्ले है। नॉच डिस्प्ले जो होती है वो डॉक्टर ब्लेड से कटिंग होती है। ये देखिए दोस्तों मेरी, आप आई बटन देखें, आप इस आई बटन पे क्लिक करें और मेरी नॉच डिस्प्ले पे भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पे, आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने एक वीडियो बना रखी है नॉच डिस्प्ले पे कि आप कैसे कटिंग करेंगे इसकी। देखिए अभी फिलहाल मैं आपको बता ही रहा हूँ, दिखा ही रहा हूँ इस पे भी। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पे कटिंग कर लिया है दोस्तों, जितना हो सकता है मैं अपने तरीके से कटिंग कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे आपका ही उसमें प्रॉफिट है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको आराम से निकाल लिया, कटिंग कर ली है। अभी फ़िलहाल मैं इसको छोटा मोटा जो कटिंग आपको लगता है ये कहीं पर ये ज़्यादा साइज़ बड़ा हुआ है OCA का, वहाँ से आप कटिंग कर लें कि आप जिससे फ्रेम पे आप सेट बिठा सकें। तो फिलहाल मैं इसको फ्रेम पे बिठाऊंगा दोस्तों, आप इस पे फ्रेम पे बिठा लें। अभी फ़िलहाल इसको आप बहुत ही आराम से निकालेंगे दोस्तों, मैंने इसका जो सेट करके देख लूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आप OCA जब निकालेंगे डिस्प्ले से, अभी फ़िलहाल इसका वेस्ट शीट जो ऊपर की वेस्ट शीट है टच की वो मैं साइड कर देता हूँ, आप जैसे ही इसको निकालेंगे वेस्ट शीट को वैसे ही आपने दोस्तों तुरंत ही आपने टच लगानी है, ज़्यादा देर नहीं लगानी, जिससे हमारी इसके ऊपर डस्ट आ सकती है, डस्ट आएगी तो बबल आएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे इसको टच लगा रहा हूँ, बहुत ही आराम से सेट करें दोस्तों और चारों तरफ से आप देखते रहे कि टेढ़ी वेढ़ी ना लगे। आप चारों और दोनों कोनों आगे के और दोनों कोने पीछे के सेट करके रखें और दबाए, एकदम ही दबा दें जिससे आपकी डिस्प्ले चिपक जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको पंचिंग मशीन में रखूँगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों पंचिंग मशीन में मैंने रख दिया है दोस्तों इसको। आप टाइमिंग रखेंगे 40 सेकंड इसका वैक्यूम का और 10 सेकंड इसका पंचिंग का, आप इसको सेट करके रख लें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पंचिंग हो रही है दोस्तों, बने रहिए दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ भी दिखाऊँगा आपको, छोटी छोटी चीज़ें कि आपको कैसे, आपके पास फ़ोन आता है तो घबराना नहीं है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ओके रिपोर्ट जैसे कंपनी का काम होता है, मगर थोड़े मोड़े बबल्स हैं इसके अंदर, हम बबल रिमूवर के अंदर डालेंगे, सिर्फ 3 मिनट के लिए डालेंगे, आप 2 मिनट के लिए भी डाल सकते हैं दोस्तों, 3 मिनट के लिए डालेंगे तो बेटर रहेगा, पूरा ऊपर इसके अंदर जितने भी बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो आप निकाल लें दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हुआ है दोस्तों। अभी मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ऑन करने से पहले इसको आप टच, इसका जो टच है आप बिल्कुल आराम से लगा लें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से इसकी टच लगा लें दोस्तों। आसपास सफाई रखें और पशु पक्षियों को खाना और पानी ज़रूर दें दोस्तों। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि छत पे पानी ज़रूर रखें दोस्तों, और पशु पक्षियों पे ध्यान दें, थोड़ा सा खाना वाना भी आप दिया करें। तो दोस्तों आसपास सफाई ज़रूर रखें। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो रहा है थोड़ा सा, मैं इसको ऑन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, बने रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ओके हो गया है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान टाइम दिया, जो कि किसी के पास इस टाइम टाइम नहीं होता ये वीडियोस देखने का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने जो अपना मूल्यवान टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस पर कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।